देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मित्रों, मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक, रेडियो बूथ से जुड़े हुए सभी श्रोताओं का, दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सबके लिए बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि परम आदरणीय डॉक्टर मुकेश गंभीर जी के आमंत्रण पर, परम आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी के संयोजन पर आज हम सब इस पवित्र शारदीय नवरात्रि के पवित्र अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज सप्तमी तिथि है। आप सब जानते हैं कि देवी की पूजा हमेशा फलदायी होती है, और आज हम सबके लिए और एक विशेष अवसर रहा कि आदरणीय अनीता त्रिपाठी जी की पुस्तक जीवन का प्रतिफल, अनीता त्रिपाठी जी ओम इनका जो है उपनाम है, ओम इनके पिताजी का नाम है, बेटियां अपने साथ साथ अपने पिताजी का नाम भी प्रसिद्ध कर रही हैं, पिताजी के आशीर्वाद फलस्वरूप ही ये लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, और आज इस स्थिति में पहुंची हैं कि इनकी पुस्तक का लोकार्पण किया गया, और वो भी नवरात्रि के पवित्र दिनों में। तो निश्चित रूप में ये बहुत ऊँचाइयों को छुएंगी। पूरा आकाश भर बधाई इनको, अशेष शुभकामनाएँ हम सबकी तरफ से, रेडियो बूज की तरफ से। रेडियो बूज के प्रांगण में यह बहुत पवित्र और पुनीत कार्य हुआ है कि साहित्य के आकाश में डॉक्टर मुकेश गंभीर जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप अनीता जी निश्चित रूप में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी। इनकी पुस्तक जनमानस को बहुत पसंद आएगी, और इनकी कविताएँ हर पाठक के दिल को छुएंगी। यही हमारी शुभकामनाएँ हैं, यही हमारा हम सबका बधाई इनको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनीता जी, आपको इस पुस्तक के लिए जहां मैं विशेष मुबारक देना चाहता हूं, वहां ये जानकर कि आप एक बेटी होने के नाते अपने पिता की जो संपत्ति है उसको आगे बढ़ा रही हैं, मैं आपको हृदय से बहुत बहुत मुबारक है। बेटियां हर घर के लिए बहुत शुभ होती हैं। ऐसा कहा जाता है जिस घर में बेटी नहीं होती है वो घर संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो बेटियां वरदान हैं, और नवरात्रि के पवित्र अवसर पर तो और विशेष बात हो जाती है। एक बेटी ही ये सोच सकती है कि वो अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़े, जिससे उसके नाम के साथ साथ उसके पिता भी पूरी दुनिया में जाने जाएं, पहचाने जाएं। और बेटी होना अपने आप में परम सौभाग्य की बात है, और हर बेटी मातृशक्ति है, और मातृशक्ति की शक्ति की पूजा इस समय चल रही है। तो दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि नारी शक्ति अपरंपार, नारी शक्ति अपरंपार। नारी शक्ति अपरंपार इसलिए है कि शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। त्रिदेव जहां असफल होते हैं वहां पर देवी सफल होती हैं। महिषासुर को मारने के लिए तीनों देवता, जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी शक्तियां भी अपर्याप्त रहीं, तभी उन्होंने देवी का सृजन किया, और देवी ने फिर जाकर के उस अत्याचारी असुर का वध किया। तो हम सब हर मातृशक्ति को उसी शक्ति स्वरूपा मान करके उनको मान दें, सम्मान दें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि आज सप्तमी है, तो सप्तमी कालरात्रि का है, माँ कालरात्रि का। तो चार पंक्तियां माँ कालरात्रि के चरणों में कि सर्वशक्तिमान देवी अट्टहास करती धरती पे आई है।
सर्वशक्तिमान देवी अट्टहास करती धरती पे आई हैं और पाप का घड़ा भरा दानवी प्रवृत्ति के अंत की घड़ी आई है और भावुक अंधकार का विनाश करने उजाले को लाने वाली दुष्ट दंभी अहंकारियों के दमन हित माँ काल रात्रि आई हैं, माँ काल रात्रि आई हैं, माँ काल रात्रि आई हैं। अब आज के काव्य प्रहर का शुभारंभ कुछ शब्द सुमन द्वारा आप समझ जाएंगे, जिस कवियत्री को हम बुला रहे हैं कुछ शब्द सुमन अर्पित करते हुए कि गंगा सा निश्चल मन इनका रमा साहित्य में जीवन और कविता गीत गजल सुन इनका होता प्रफुल्लित जनगणमन। और बहुत व्यस्त रचनाकार हैं, सोशल मीडिया की सबसे पॉपुलर अगर जो है कवियत्री का नाम लिया जाए तो डॉक्टर रश्मि चौबे जी हैं। तो बहुत व्यस्त रचनाकारा हैं, उषा रश्मि सी मन भावन और रिमझिम बूंदों सी दिखती हैं जैसे पवित्र मास सावन, जैसे पवित्र मास सावन। आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अवधेश तिवारी, जो आपने मुझे बहुत सुंदर शब्दों में आमंत्रित किया, बहुत सुंदर संचालन आपने। रेडियो भूज के तत्वावधान में आयोजित नवरात्रि उपासना के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का और दर्शकों का भी वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज माँ का दिन है तो सर्वप्रथम दोहे से शुरुआत करती हूँ। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब आप सभी को नमन करते हुए मंच को मैं स्वरचित अपना गीत पढ़ूंगी, फिर एक और कविता। स्वागत है। गीत का शीर्षक है दुर्गा माँ। मोहे जोगन बना गई माँ, खबर अब काहे न ले। मोहे जोगन बना गई माँ, खबर अब काहे न ले। सुन मोहे रंग गई लाल रंग में, सुन मोहे रंग गई लाल रंग में। सपनों में दिखे आके ज्योत रंग में, सपनों में दिखे आके प्रेम रंग में। कभी खुश हूँ कभी हूँ उदास, खुश हूँ कभी हूँ उदास, खबर अब काहे न ले। मुहे जोगन बना गई माँ, खबर अब काहे न ले। कहती हैं सखियाँ मुझको दीवानी, माता संग प्रीत मेरी किसी ने न जानी। कहती है सखियाँ मुझको दीवानी, माता संग प्रीत मेरी किसी ने न जानी। जानो उसकी लगन ना आसान, उसकी लगन ना आसान, खबर अब काहे न ले। मोहे जोगन बना गई माँ, खबर अब काहे नहीं। लगन अनोस की माँ संग ऐसी, माता के माथे पे बिंदिया हो जैसी। लगन अनोखी माँ संग ऐसी, माता के हाथों में चुड़िया हो जैसी। बन के चरण कमल रहूं धाम, चरण कमल रहूं धाम, खबर अब काहे न ले। मोहे जोगन बना गई माँ, खबर अब काहे न ले। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। और एक कविता अनीता जी को बधाइयां देते हुए, आजकल एआई बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है, सभी के व्हाट्सएप पे भी आ चुकी है, तो मैंने इसकी कविता में लिखा है कि एआई नहीं आई हो चुकी है। माँ के जैसे हम सब पूछते हैं ना, माँ से वैसे। कविता का शीर्षक है एआई। मेरे भारत को महान बनाना एआई, मेरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना एआई। एआई तुम सुंदर भविष्य बनाओगी, व्हाट्सएप से जुड़कर सब जान जाओगी, पर इंसान को निकम्मा बनाओगी। पर इंसान को निकम्मा बनाओगी, क्योंकि रेडीमेड चीजें मिल जाती हैं सब। पर इंसान को निकम्मा बनाओगी, जो कुछ है सब एआई से पूछ लेते हैं।
अब एआई आई हो गई है, निबंध लिखना है तो चलो एआई से पूछ लेते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना है तो चलो एआई से पूछ लेते हैं, घूमने जाना है तो एआई से पूछ लेते हैं, उत्सव में जाना है तो एआई से पूछ लेते हैं, इतिहास के प्रश्नों या विज्ञान के विज्ञान को जानना हो चलो सब एआई से पूछ लेते हैं, गणित के सवाल ही नहीं इंसानों के संबंध भी निभाने के तौर तरीके चलो एआई से पूछ लेते हैं, राधा के कान्हा के चित्र हों या प्रेमी प्रेमिकाओं के ग्रीटिंग कार्ड एआई से बनवा लेते हैं, चलो एआई से बनवा लेते हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर होने दो एआई, खुद गिरकर चलेंगे तभी तो मजबूत बनेंगे, तेरा आशीर्वाद रहेगा सदा, भविष्य उज्जवल रहेगा, ऐसा ही सोचते हैं और नमो नमो एआई बोलते हैं, तुम ही राह दिखाओगी, साथ चलकर मुश्किल आसान बनाओगी, लगता है आगे जाकर माँ बहन बेटी भाई पिता साथी सब तुम ही बन जाओगी, सब तुम ही बन जाओगी, अब तुम ही बन जाओगी, और तो और दादी नानी की कहानी भी तुम ही सुनाओगी, मेरे भारत को महान बनाना एआई, मेरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना एआई। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आप सभी का धन्यवाद, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनका बहुत सुंदर मॉडर्न लैंग्वेज में क्या कटाक्ष करा, बहुत बढ़िया। अभी आप सबने डॉक्टर रश्मि चौबे जी को सुना, उनकी एआई पर बिल्कुल आधुनिकतम कविता, और आप सब निश्चित रूप में उनकी इस कविता से आनंद लेंगे, इस कविता से उनकी व्यंग रचना है उससे व्यंग को भी समझेंगे, एक बार जोरदार तालियां उनकी श्रेष्ठ रचना के लिए। और नवरात्रि में हम सब मिलकर माँ शक्ति का गुणगान करें, नवरात्रि में हम सब मिलकर माँ शक्ति का गुणगान करें, उपवास त्याग सहयोग धैर्य धारण कर माँ का ध्यान धरें, धारण का माँ का ध्यान धरें, और जब जगदम्बा होती प्रसन्न, जब जगदम्बा होती प्रसन्न सब कार्य सरल हो जाते हैं, और दुर्गम पथ होते सुगम और हर काज सहज हो जाते हैं, और सरस सुफल करने को जीवन माँ अम्बे का आह्वान करें, नवरात्रि में हम सब मिलकर माँ शक्ति का गुणगान करें, नवरात्रि में हम सब मिलकर माँ शक्ति का गुणगान करें। तो अगली मातृशक्ति को कुछ शब्द सुमन अर्पित करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपने गीतों रचनाओं से, अपने गीतों रचनाओं से सारे जग में छाई हैं, सोशल मीडिया खोलिए तो निश्चित रूप में उनकी कोई ना कोई रचना मिल जाएगी, तो अपने गीतों रचनाओं से सारे जग में छाई हैं, और साक्षात माणी पुत्री और अनुपम लेखनी ये पाई हैं, और संस्कार मर्यादा और कर्तव्य निष्ठता की मिसाल, संस्कार मर्यादा और कर्तव्य निष्ठता की मिसाल, और हम सब का सौभाग्य है जो आज यहाँ दीप्ति जी आई हैं, हम सब का सौभाग्य है जो दीप्ति जी यहाँ आई हैं, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश सर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, मुकेश सर आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, अनिता जी आपको आपकी पुस्तक के लोकार्पण के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और मेरी बहुत आपके लिए शुभेच्छा है कि आपकी किताब बहुत नई नई ऊंचाइयां छुएं और अपनी नई नई किताबें लिखें। तो नवरात्रों के इस अवसर पर सबसे पहले मैं माँ के चरणों में एक छोटा सा मस्तक पेश करना चाहूंगी। प्रतिपदा पर घट रखें हम मात का पूजन करें, शुद्ध मन उपवास रख कर भक्ति से यह मन भरे, वाह पूजते नौ देवियों को नित्य श्रद्धा भक्ति से, देख खुशी वरदान में माँ भक्त को निज शक्ति से, भक्त को निज शक्ति से, जय माता। और ये जो शारदीय नवरात्रे होते हैं ये भगवान राम के लिए भी, भगवान राम भी पूजित हैं उनके लिए भी बहुत विशेष है, तो मैं सबसे पहले अपनी एक रचना एक छंद भगवान राम के लिए पढ़ना चाहूंगी। मन भावन सुखदायक नाम श्री सुर नायक मेरे राम, दिव्य अयोध्या जिनका धाम, नाम जपे बन जाए काम, रघुकुल में लेकर अवतार, दुष्टों का करते संहार, जनक नंदिनी इनके वाम, दीन दुखी को लेते थाम,
पावन मूरत संयत काज, भक्त हृदय पर करते राज। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनसे बढ़कर उनका नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छवि देखे और करते जाप, कष्ट मिटे मिट जाए पाप। कलयुग में अब लो अवतार, नैया आप लगाओ पार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन रचना। जैसे कि मैं मुख्यतः गजल लिखती हूँ, तो इस अवसर पर एक गजल और प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत। कहीं गलत कहे मुझे, कहीं कहे सही हूँ मैं। जो देखता है जिस तरह, उसे लगे वही हूँ मैं। प्रखर हूँ पर मुखर नहीं हूँ, मौन पर बधिर नहीं। सुनी सुनाई बात पर कभी नहीं डही हूँ मैं। समझ सकेगा क्या भला मुझे उलझ के रूप में, समझ सकेगा क्या भला मुझे उलझ के रूप में। गुणों की कामना रखूं, प्रबुद्ध संग बही हूँ। वाह वाह, शानदार। मैं हानि लाभ भूल के निभा रही सभी सही, मैं हानि लाभ भूल के निभा रही सभी सही। हिसाब कुछ रखा नहीं, अधूरी एक बही हूँ मैं। वाह बहुत बढ़िया। सरल कहूँ कठिन कहूँ, कहूँ सहज या मैं जटिल। सरल कहूँ कठिन कहूँ, कहूँ सहज या मैं जटिल। निखरती लेखनी रहे, प्रयास कर रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समान भाव से उजास बांटता जहान को, समान भाव से उजास बांटता जहान को। जो दीप देहरी रखा मुझे लगे वही हूँ मैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। दीप्ति जी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं कुछ शब्द सुमन भगवान राम के चरणों में अर्पित करते हुए कि दया प्रेम करुणा सोचूं तो, दया प्रेम करुणा सोचूं तो, होते हैं वो चारित राम, और रिपुओं को भी नमन किए जो भावुक थे मर्यादित राम। एक बार आप सब प्रेम से बोलें जय श्री राम। दोनों नवरात्रि जो अप्रैल में होती है यानी चैत्र में, और ये शारदीय नवरात्रि, दोनों भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है। चैत्र में नवमी को भगवान राम पैदा हुए, जन्मदिन उनका रहा, और ये शारदीय नवरात्रि में विजयादशमी और दशहरा। तो भगवान राम और देवी शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और हमें उतने ही मान सम्मान के साथ हम भगवान को भी याद करते हैं जितने देवी को। तो कुछ पंक्तियाँ निवेदित हैं कि ईश्वर की सुंदरतम कृति है, हम कुछ शब्दों द्वारा अपनी अगली कवित्री को आमंत्रित करते हैं कि ईश्वर की सुंदरतम कृति है, नवल सोच की क्यारी है। जैसा आप देखिए ज्योति जी को कि ईश्वर की सुंदरतम कृति है, नवल ज्योत की क्यारी है, और अपने सद्गुण और कृतित्व से अद्यतन में सब पर भारी है। यानी आजकल अपनी कृतियों द्वारा, अपनी रचनाओं द्वारा, अपने गीतों द्वारा, गजलों द्वारा और अपने कर्तव्य द्वारा, चूँकि आप अध्यापिका हैं, शिक्षाविद हैं, देश के भविष्य को बनाती हैं, देश के भविष्य को संवार रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। तो आदरणीय कि ईश्वर की सुंदरतम कृति ये नवल सोच की क्यारी हैं, और अपने सद्गुण और कृतित्व से अद्यतन में सब पर भारी हैं। अद्यतन यानी आजकल। और आदरणीय ज्योति जी के क्या कहने, इनको सुन श्रोता कहे उठते वाह वाह वाह, इनकी रचनाएं अद्भुत और न्यारी हैं, इनकी रचनाएं अनुपम, अद्भुत और न्यारी हैं। आदरणीय ज्योति जी, थैंक यू सो मच अवधेश जी इतने प्यारे शब्दों के लिए, और बूस्ट स्टूडियो का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आज यहाँ आमंत्रित किया। अनिता जी को बहुत बहुत बधाई उनकी नई पुस्तक के लिए। आप इसी तरह ऊँचाइयाँ छूते रहें अपने शब्दों के द्वारा, बहुत बहुत बधाई आपको। माँ दुर्गा को नमन करते हुए
पहले छोटी सी प्रार्थना उनके लिए। हे सिंह वाहिनी माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे अष्टभुजी महामाया, हम पर ये उपकार करो। देश धर्म और नारी, इन पर नजर जो डाले, भद्र काली माँ तुम असुरों का संहार करो। माँ ब्रह्मवादिनी परमेश्वरी, तेरा ही गुण हम गाते हैं। हे महेश्वरी, तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। भ्रष्टाचारी और धर्म के शत्रु देश को लूटे जाते हैं। हे महाबला माँ, हम में बल का संचार करो। हे सिंह वाहिनी माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। माँ का जो है रूप स्त्री रूप है, वंदनीय है, तो उसी स्त्री को प्रणाम करते हुए एक छोटी सी कविता पहले। हाँ सर। माना कि औरत नहीं पंसारी, जो तोले अपने रिश्तों को, क्या लिया किसी से और कितना दिया किसी को। कौन खुशियां दे गया, किसने गम अपना खोला है। अपना मन कितना रीता है और किसने हृदय डटोला है। तराजू नहीं मेरे पास, जो भावों का तोल करे। मन का रिश्ते तो हैं इस मन से, मन का कैसे मोल करे। आज अगर मन सूना है और भावों से ये रीत गया, कैसे समझाएं हम उसको, क्या क्या हम पे बिल गया। बंजर है मन का आंगन और सुनी है जीवन क्यारी। अब भी मुझसे गर पूछे वो, कैसे सारी उम्र गुजारी। आज सफर में संगी उसके चाहे लाख हजारी हैं, फिर भी सिर्फ हम ही ने उस पर सारी खुशियां वारी है। लेकर कोई पोथी बाचे, जन्मों का हिसाब करे। लेकर बाट तराजू वाले, मेरे कर्मों को माफ करे। वाह, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी कविता, स्वागत है फिर से बेटियों पर ही, बेटियों की बात चल रही है। तो कविता का शीर्षक है लड़कियां। घर की लक्ष्मी बन पूजी जाती लड़कियां, और कहीं कोख में मारी जाती लड़कियां। दुर्गा पूजा में कंजक बन आती लड़कियां, तो कहीं दहेज की बलि चढ़ जाती ये लड़कियां। माँ बहन बीवी बेटी का फर्ज निभाती लड़कियां, और हर रिश्ते में बस छली जाती लड़कियां। प्यार की दहलीज पर हस्ती खिलखिलाती लड़कियां। जो भी कभी प्यार में रहा होगा, देखा होगा क्या नूर आ जाता है चेहरे पर। लेकिन उन्हीं वही लड़कियां जब किसी लड़के को इनकार कर देती हैं, तो प्यार की दहलीज पर हस्ती खिलखिलाती लड़कियां, फिर तेजाब का शिकार बन मुंह छुपाती लड़कियां। बहुत पापा की लाडो बन जिद मनवाती लड़कियां, और ब्याहते ही जाने कैसे बड़ी हो जाती लड़कियां। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भी बन जाती ये लड़कियां, और माँ बन कोमल हृदय में ढल जाती ये लड़कियां। उड़ती फिरती चिड़ियों जैसी चहचहाती लड़कियां, आंखों के आंसू छुपा मुस्कुराती लड़कियां। सात फेरों में पति के पीछे चलती जाती लड़कियां, और सती बनकर यम से भी लड़ जाती ये लड़कियां। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। शर्म का गहना पहन लजाती सकुचाती लड़कियां, और वक्त आने पर चंडी काली भी बन जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्रों, अभी आप आदरणीय ज्योति चुलका जी को सुन रहे थे। उनकी बेहतरीन रचना बेटियों के लिए। निःसंदेह नवरात्रि चल रहा है, देवी के दिन चल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्त मातृशक्तियों को इस समय सम्मान देना चाहिए, पूजा जाना चाहिए। हमेशा कभी भी कोई भी अवसर हो, हमारे देश में बिना मातृशक्तियों के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल यह 9 दिन नहीं, हर दिन बेटियों का होना चाहिए, हर दिन जो है मातृशक्तियों का होना चाहिए, और उन्हें प्रतिपल सम्मान मिलना चाहिए। तो भगवान राम को याद करो इस नवरात्रि में, भगवान राम को याद करो जो आसुरी शक्ति से टकराए। वो केवल इसलिए टकराए क्योंकि वो नारी अस्मिता को बचाना चाहते थे। वो दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि अगर सबसे बड़ा
बड़ी शक्ति उस समय रावण की थी और रावण को उन्होंने चुनौती दिया केवल नारी का सम्मान बचाने के लिए। तो भगवान राम को याद करो, आसुरी शक्ति से टकराए और अहंकार तोड़ रावण का, नारी का सम्मान बचाए। और नहीं असंभव कार्य कोई भी, क्योंकि कोई भी रावण से टकराने के बारे में उस समय सोच भी नहीं सकता था। और नहीं असंभव कार्य कोई भी जब साहसी सर संधान करें और नवरात्रि में हम सब मिलकर माँ शक्ति का गुणगान करें। नवरात्रि में हम सब मिलकर माँ शक्ति का गुणगान करें। अब कुछ शब्दों द्वारा मैं अपनी अगली श्रेष्ठ कवयित्री को आमंत्रित करता हूँ कि बहुत बड़ी कवयित्री हैं ये, बहुत बड़ी कवयित्री हैं ये और शिक्षा क्षेत्र में है बड़ा नाम और सोशल मीडिया पर छाई हैं, बहुत बड़ा है इनका काम या बहुत अधिक है इनका काम। और नीत नियम की बड़ी पुरोधा, नीत नियम की बड़ी पुरोधा, अनीता नाम करती चरितार्थ और ओम नाम से करती रचना और पिता को जो भी कर, पिता को कर रही है सरनाम, पिता को कर रही जो सरनाम, अपने नाम द्वारा अपने पिता को पूरी दुनिया में बता रही हैं कि मेरे पिता ओम जी जो आशीर्वाद मुझे दिए, जो ज्ञान दिए, उसी के फलस्वरूप आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो ऐसी श्रेष्ठ कवयित्री के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद अधेश जी। सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री माँ तुलजा भवानी के चरणों में नमन करती हूँ। बिना उनके आशीर्वाद के कुछ भी संभव नहीं है और वैसे भी शारदीय नवरात्र है। तत्पश्चात मैं श्रद्धेय, परम श्रद्धेय मुकेश गंभीर जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें मंच प्रदान किया और हमारे साथ इस मंच पे आसीन सभी श्रेष्ठ कवयित्रियों को बहुत बहुत प्रणाम। सर्वप्रथम माँ दुर्गा को नमन करने के लिए मैं एक मुक्तक सुनाती हूँ। पूजा कभी न निष्फल हो, याद आए हृदय जो बिहवल हो। बहुत बिन तेरे माँ मेरा वजूद नहीं, बिन तेरे माँ मेरा वजूद नहीं। उड़ संभावना की प्रतिफल हो, उड़ संभावना की प्रतिफल हो। माँ जगत जननी को प्रणाम करते हुए मेरी वेदना है स्वयं की, उसे मैंने पंक्तियों में सृजित किया है। संघर्षों की बलिवेदी पर, संघर्षों की बलिवेदी पर क्या क्या भेंट चढ़ाऊं मैं, संघर्षों की बलिवेदी पे क्या क्या भेंट चढ़ाऊं मैं। कब तक प्रत्युत्तर पाऊंगी किससे विपदा गाऊं मैं, कब तक प्रत्युत्तर पाऊंगी किससे विपदा गाऊं मैं। निपट निराशा छा जाती है, निपट निराशा छा जाती है, हर पग को दहला जाती है, जैसे तैसे पूर्ण किया तो अगले पल फिसला जाती है। वाह, जैसे तैसे पूर्ण किया तो अगले पल फिसला जाती है। सूल भरे अबिरल पथ पर कितना चलती जाऊं मैं, सूल भरे अबिरल पथ पे कितना चलती जाऊं मैं, क्या क्या भेंट चढ़ाऊं मैं, कब तक प्रत्युत्तर पाऊंगी किससे विपदा गाऊं मैं, किससे विपदा गाऊं मैं। दृढ़ निश्चय कर चलती जाऊं, दृढ़ निश्चय कर चलती जाऊं, कपट द्वेष से छलती जाऊं, ज्यों ज्यों छटता तमका बादल त्यों त्यों कदम बढ़ाती जाऊं। व्यवधानों के अगणित पथ पर, व्यवधानों के अगणित पथ पर कब तक शीश झुकाऊं मैं, कब तक शीश झुकाऊं मैं। संघर्षों की बलवेदी पर क्या क्या भेंट चढ़ाऊं मैं, कब तक प्रत्युत्तर पाऊंगी किससे विपदा गाऊं मैं, किससे विपदा गाऊं मैं। और एक श्रृंगार है, मैं प्रतीक्षा में तेरे सदा ही रही, मैं प्रतीक्षा में तेरे सदा ही रही, और पता भी है कि तुम नहीं आओगे, और पता भी है कि तुम
नहीं आओगे, सारे बंधन से तुझको बरी कर दिया, सारे बंधन से तुझको बरी कर दिया, सारे जग में पर मुझसा नहीं पाओगे, सारे जग में पर मुझसा नहीं पाओगे, है पता मुझको तुझको नहीं है खबर, है पता मुझको तुझको नहीं है खबर, मेरी हर मिन्नते थी सदा बेअसर, मैंने चूमा हजारों दफा जो नयन, मैंने चूमा हजारों दफा जो नयन, उस नयन की चमक कैसे झुठलाओगे, मैं प्रतीक्षा मैं तेरे सदा ही रही, और पता भी है कि तुम नहीं आओगे, प्रेम है ना छड़क ये सतत प्रेम है, इसके साहिल पे मैं ही मंजिल पे हूँ, तुम जहाँ जाओगे लौट के आओगे, तुम जहाँ जाओगे लौट के आओगे, बिन हमारे भला कैसे जी पाओगे। और अंतिम पंक्तियां हैं, स्वागत। रूह तक जज्ब है शख्सियत वो तेरी, रूह तक जज्ब है शख्सियत वो तेरी, तुझ में पूरी तरह में समाई हुई, दिल धड़कता नहीं धड़कनों के बिना, दिल धड़कता नहीं धड़कनों के बिना, तुम हमारे बिना कैसे जी पाओगे, तुम हमारे बिना कैसे जी पाओगे। और इस कविता का जो यथार्थ है, जो इस समय कलयुग है, तो ये प्रेम, जो प्रेम दर्शाने की कोशिश हमने की है, वो प्रेम बहुत ही मुश्किल है होना। तो जो इसके यथार्थ को बयां करते हुए मेरी अंतिम चार लाइन, मैं हूँ मीरा नहीं जो भरोसे जीऊं, और ना जान की जो प्रतीक्षा करूं, मैं हूँ मीरा नहीं जो भरोसे जीऊं, और ना जान की जो प्रतीक्षा करूं, ये है कलयुग यहाँ कुछ सतत ही नहीं, बीज जो बोगे वो ही तुम काटोगे, बीज तो बोगे वो ही तुम काटोगे, मैं प्रतीक्षा में तेरे सदा ही रही, और पता भी है कि तुम नहीं आओगे। बहुत बढ़िया, शानदार। अनीता जी, आपकी पुस्तक जीवन के प्रतिफल, जिसका इनॉग्रेशन आज इस रेडियो में किया गया है, मैं चाहूँगा इसकी एक आध कोई रिप्रेजेंटेटिव कविता आप सुनाएं, और दो मिनट में ये भी प्रकाश डालें कि इस पुस्तक को में जितनी भी कविताएं हैं उनका सेंट्रल थीम किस तरफ है, ताकि हमारे श्रोता इसको ललयित रहें इसकी कृति को पाने के लिए और इसको पढ़ने के लिए। ठीक है सर। मैं जो है ये जीवन का प्रतिफल, मैंने
इस पुस्तक में 101 कविताएं हैं और मैंने इसमें लिखना किसी एक विधा में नहीं इसमें इसको समाहित किया है, इसमें बहुत सारी, इसमें व्यंग भी है और इसमें श्रृंगार भी है, व्यथा भी है, राजनीति भी है, तो इसमें मतलब समाहित है बहुत, संपूर्ण विधा को मैंने समाहित किया है। और ये जीवन का प्रतिफल इसलिए मैंने रखा कि संपूर्ण जीवन में हम दौड़ते भागते पूरा जीवन कमाते हैं और अंत में मेरा जीवन ही हमसे पूछता है कि भाई किया क्या तुमने। और इसी की एक कविता की चार लाइन में सुनाऊंगी जिसे ये इस शीर्षक को बयां करेगा। और अवधेश भैया ने तो सुना भी है। जी हाँ, बिल्कुल सुनाई। एकल विकल सकल जीवन है, एकल विकल सकल जीवन है, अस्त व्यस्त निष्फल जीवन है, मन में खालीपन का डेरा, अंतस में भी एक हलचल है, अंतस में भी एक हलचल है, व्यथित हृदय संताप से पूछे, व्यथित हृदय संताप से पूछे, इस जीवन का क्या प्रतिफल है, बहुत बढ़िया, जीवन का क्या प्रतिफल है, इस जीवन का क्या प्रतिफल है, क्योंकि जीवन में हम करते क्या है, स्वप्न छोड़ अर्थ जोड़ने की होड़ में लगे थे, स्वप्न छोड़ अर्थ जोड़ने की होड़ में लगे थे, शोर कभी हृदय का सुन नहीं पाए थे, दूसरों की देखा देखी ताका ताकी में विरक्त, दूसरों की देखा देखी ताका ताकी में विरक्त, स्वयं समर्थन के स्वप्न बुन न पाए थे, स्वयं समर्थन के स्वप्न बुन न पाए थे, ये कैसी आजादी है, ये संघर्षों की मनमानी है, खुद में ही संपूर्ण समर्पण निजता का ये कैसा पल है, निजता का ये कैसा पल है, व्यथित हृदय संताप से पूछे, इस जीवन का क्या प्रतिफल है, जी। हाँ मित्रों, अभी आपने आदरणीय अनीता जी को सुना, उनकी आज लोकार्पित हुई काव्यकृति जीवन का प्रतिफल। और वास्तव में उन्होंने इसका जो नाम रखा है वो पूरी तौर पर सारगर्भित है, पूरी तौर पर वो उसको सिद्ध कर रही हैं कि उनकी रचनाओं द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं किंतु अंत में सोचने के लिए विवश, एक ना एक दिन सोचने के लिए विवश हो ही जाते हैं कि आखिर में हमें जीवन का प्रतिफल क्या मिला। ऐसी स्थिति में एक बार पुनः उन्हें बहुत बहुत बधाई इतनी बेहतरीन काव्यकृत के लिए, इतनी बेहतरीन काव्य रचना के लिए और इतने बढ़िया काव्य पाठ के लिए भी। एक बार पुनः जोरदार तालियां आदरणीय अनीता जी को। और सत्य सदैव विजयी होता है, सत्य सदैव विजयी होता है, असत्य भले कितना बढ़ जाए। हमेशा आप देखिए, ये भारतीय मानसिकता रही है, हमारे वेद पुराण भी यही कहते हैं कि हम कितने ही परेशानियों में क्यों ना रहें, रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो जाए, सुबह निश्चित रूप में आती है और हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। तो सत्य सदैव विजयी होता है, असत्य भले कितना बढ़ जाए, और सर्वोपरि सम्मान नारी का, सर्वोपर सम्मान नारी का, आओ जन जन को बतलाएं, सर्वोपर सम्मान नारी का, आओ जन जन को बतलाएं, और अहंकार रावण का तोड़ा रघुवर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, अहंकार रावण का तोड़ा रघुवर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और राम तत्व जन जन के अंदर, राम तत्व जन जन के अंदर आओ भावुक उसे जगाएं, राम तत्व जन जन के अंदर आओ भावुक उसे जगाएं, आओ भावुक उसे जगाएं, क्योंकि हर व्यक्ति राम है, हर मातृशक्ति सीता है, ये सृष्टि दोनों के
सहयोग से ही चलती है, इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान अवश्य करना चाहिए। राम के सारे गुण हर व्यक्ति में मौजूद हैं, केवल उन्हें जगाने की आवश्यकता है। अब जैसा अभी जो है मतलब अनीता जी ने श्रृंगार की बात की, तो आज हम भी एक श्रृंगार की रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या होता है जब नायक नायिका से मिलता है तो उसे जो बात करनी होती है, जो सोच कर आया होता है कि हम यही बोलेंगे, अब वो बोल नहीं पाता, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर जाता, बात हमेशा अधूरी रह जाती है। और फिर क्या क्या कैसे कैसे उसकी जो मनोदशा होती है उसी पर मेरे शब्द हैं। इसमें हर ऋतु का भी, ऋतुओं में आप देखेंगे कि जो है प्रकृति से भी हमने जोड़ने की कोशिश की है। तो एक नायिका एक नायक नायिका से मिला और जो भी विचार उसके मन में थे वो व्यक्त नहीं कर पाया, तो उसकी जो मनोदशा है वो शब्दों में किस तरह रूपांतरित हुई है वो सुनिए। कि कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और मन में गुबार है बहुत भरे जो कहने से ही कम होंगे। मन में गुबार है बहुत भरे जो कहने से ही कम होंगे, और आंसू के बाहर आने से ही चक्षु हमारे नम होंगे। और अंतर मन के निज भावों को कहना चाहूं किसी तौर तौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और मन की बातें कुछ और। गंगा की निर्मल धारा सी, गंगा की निर्मल धारा सी निश्चल मन की संप्रेषक हो, औरों के लिए चाहे जैसी पर मेरी तुम उत्प्रेरक हो। और तिरछी चितवन से देखो जरा छा जाएगा नौ दौर दौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और टप 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 चुए पसीना गर्मी का, देखिए कि टप 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 चुए पसीना बिरह अग्नि झुलसाती है, और गर्मी में लू भरी हवाएं याद तुम्हारी लाती हैं। और दिनकर निज ऊष्मा ऊर्जा से वसुधा को देता सौर सौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और कहने की बातें। और नभ में निकला है इंद्रधनुष, जैसा आप सब जानते हैं बरसात के दिनों में कि नभ में निकला है इंद्रधनुष, जल वर्षा के झमझम गिरते और कलकल करती नदियां बहती बनबाग खेत सप्तर दिखते। और धरती के मौन निमंत्रण से, आप सब जानते हैं धरती को नायिका और आकाश को नायक माना जाता है, तो धरती के मौन निमंत्रण से मिलता अंबर को ठहर ठहर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और कहने की बातें। और हरित तृणों पर ओस की बूंदे, हरित तृणों पर ओस की बूंदे मोती जैसी लगती हैं, और सर्दी की रातें तुम बिन ठिठुरन तन में भरती हैं, और कोहरे में लिपटी देख धरा खिल उठते हैं मन पौर पौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और कहने की बातें। और सरसों के पीले पुष्प लिए रूमानी मौसम आता है, और धानी चूनर में धरा वधु को देख गगन मुस्काता है। और पक्षी खुश हो कलरव करते आमों पर आता बौर बौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और। और पुष्प गुच्छ मालाओं से घिर मन उल्लासित हो जाता है, नित नवीन इच्छाएं जगती लहू ज्वार सम बढ़ाता है। और भावुक मधुनेह को ढूंढ रहे करवल्लरियों पर गौर गौर, कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और। और जब भी तुमसे मैं मिलता हूँ कहना चाहूँ कुछ और किंतु कह जाता हूँ कुछ और कह जाता हूँ कुछ और कह जाता हूँ। तो हमने ये कहीं पढ़ा नहीं था तो हमें लगा कि जो है इसको पढ़ देते हैं आज, और जो है चूंकि रूमानी मौसम तो कभी भी हो सकता है और मैं मूलतः चूंकि श्रृंगार का ही कवि हूँ तो इसलिए अब मैं ये मंच आज का काव्य प्रहर अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो आज की संयोजिका को मैं कुछ शब्दों द्वारा आमंत्रित करता हूँ कि सौंदर्य और श्रेष्ठ गुणों की, मुक्ता जी को आप सब देखिए और मेरी पंक्तियाँ सुनिए, कि सौंदर्य और श्रेष्ठ गुणों की अद्वितीय अद्भुत हैं खान, और अपनी मुस्कान और कृतियों से कभी मंचों पर पाती मान, अपने मुस्कान और कृतियों से कभी मंचों पर पाती मान, आज यहाँ पर हम सब भी इनके संयोजन में आए हैं। और साक्षात अन्नपूर्णा मुक्ता जी सकल जगत करता सम्मान, साक्षात अन्नपूर्णा मुक्ता जी सकल जगत करता मुस्कान, आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेडियो ब्रूस के सभी चाहने वालों को मेरा नमस्कार, और अनीता त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाई पुस्तक विमोचन के लिए, और दिल्ली NCR से यहाँ उपस्थित सभी विदुषियों को मेरा प्रणाम, और आज के कार्यक्रम के जो डायरेक्टर हैं उनको भी मेरा हृदय से नमन है,
और अब माँ आदि शक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपना रचना पाठ करने जा रही हूँ। स्वागत है। जला दो भाव रावण के, राम बन जाएंगे ये मन। जला दो भाव रावण के, राम बन जाएंगे ये मन। पतित है पावनी गंगा, पतित है पावनी गंगा, भगीरथ हैं सभी के मन। वाह, बहुत बढ़िया। पावनी गंगा, भगीरथ हैं सभी के मन। और क्षणिक है कामना झूठी, क्षणिक है कामना झूठी, व्यथित है वासना के तन। क्षणिक है कामना झूठी, व्यतीत है वासना के तन। जला दो भाव रावण के, राम बन जाएंगे ये मन। इन पंक्तियों पर तवज्जो दीजिएगा। हाँ, स्वागत। कि न मंदिर में न मस्जिद में, न मंदिर में न मस्जिद में, न गिरजों की हजूरी में, न मंदिर में न मस्जिद में, न गिरजों की हजूरी में, खुदा रहता है बस केवल, खुदा रहता है बस केवल, हृदय की पाक नूरी में। खुदा रहता है बस केवल, हृदय की पाक नूरी में। कि खोना और पाना तो, कि खोना और पाना तो, कर्म के ज्ञान का बंधन। स्वयं को जीत लेना ही, स्वयं को जीत लेना ही, शून्य के ज्ञान का स्पंदन। स्वयं को जीत लेना ही, शून्य के ज्ञान का स्पंदन। कि कस्तूरी बसा छलिया, कि कस्तूरी बसा छलिया, हिरण मन के भागा है। कस्तूरी बसा छलिया, हिरण मन बन के भागा है। कि निश्चल प्रेम के संग में, बंधा हर मन का धागा है। कि निश्चल प्रेम के संग में, बंधा हर मन का धागा है। और क्षणिक है वासना झूठी, क्षणिक है वासना झूठी, व्यथित है कामना के तन। जला दो भाव रावण के, राम बन जाएंगे ये मन। पतित है पावनी गंगा, भगीरथ है सभी के मन। और एक छोटी सी रचना और है, अगर समय है तो। महाप्रलय के बाद पुनः जीवन की उत्पत्ति इस ओर इंगित करती है कि अंधकार के बाद प्रकाश का उदय हमें एक बार फिर से हमारा सच्चा साक्षात्कार करा देता है, जिसमें हम एक स्वर्ण कमल की भांति हर पल दैदीप्यमान हो रहे हैं, अपने समस्त कुलुषित भाव वस्त्रों को त्याग कर। कविता का शीर्षक है स्वर्ण कमल। स्वागत। छीन कर ले गए निर्वस्त्र प्रतिबिंब मेरे वस्त्र क्यों, छीन कर ले गए निर्वस्त्र प्रतिबिंब मेरे वस्त्र क्यों, स्वयं के आलिंगन से हो गया क्या मुक्त अहो। प्रतिरोध की गति धीमी लगती अखर कर, खोल कर प्राण चक्षु रह गए अबोध क्यों, खोल कर प्राण चक्षु रह गए अबोध क्यों। रुक जाओ, रुक जाओ, धरती फिर उग रही है,
रुक जाओ धरती फिर उग रही है, थम जाओ जगने लगा आसमान, हौले हौले जीवित हो गई, जीवित हो गई फिर से त्रोहित नीर, अतृप्त मन पीले आ सिंधु के कण, अतृप्त मन पीले आ सिंधु के कण, फिर जागू आ बनकर सतयुग का स्वर्ण कमल, सतयुग का स्वर्ण। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। अभी आपने डॉक्टर मुक्ता मिश्रा को सुना, कितना बढ़िया उनकी रचना, जोरदार तालियां आदरणीय के लिए। और घट घट में है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। और संभव है भावुक मन में भी जागृत हो जाए नवल ज्योत, और मिल जाए जग जननी से बुद्धि, उद्देश्य पूर्ण का मूल स्रोत, और तप त्याग मनोबल संग लिए निज मन को ऊर्जावान करें, नवरात्रि में हम सब मिलकर माँ शक्ति का गुणगान करें, नवरात्रि में हम सब मिलकर माँ शक्ति का गुणगान करें। अब आज की का काव्य प्रहार अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। अब मैं परम आदरणीय रेडियो भूज के डायरेक्टर, आदरणीय जिनके आशीर्वाद से जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जिनको सुन करके हमारे मन में बहुत तेजी के साथ विचार उत्पन्न होते हैं कि हम कब इतना अच्छा लिखेंगे, हम कब इतना अच्छा पढ़ेंगे, ऐसे आदरणीय को मैं कुछ शब्द द्वारा कुछ आमंत्रित करता हूं। क्योंकि जब उनको बुलाना होता है तो मेरे पास शब्द कम हो जाते हैं, क्योंकि इतने विराट व्यक्तित्व के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो कुछ शब्द द्वारा, कुछ अपनी पंक्तियों द्वारा आदरणीय को आमंत्रित करता हूं कि रेडियो भूज के निदेशक, रेडियो भूज के डायरेक्टर बहुत श्रेष्ठ हैं गजलकार। अभी आप सब सुनेंगे, देखेंगे कि रेडियो भूज के डायरेक्टर बहुत श्रेष्ठ हैं गजलकार, और अद्भुत रुबाइयों के प्रणेता, लिखते पढ़ते नाना प्रकार, और भावुक कलम धन्य हो जाती पाकर इनके शुभाशीष, भावुक कलम धन्य हो जाती पाकर इनके शुभाशीष, और बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है जब जब ले हम इन्हें निहार, जब जब ले हम इन्हें निहार, बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। आदरणीय डॉक्टर मुकेश कुंभे जी। अवधेश जी, जी सर, आप शब्दों के धनी हैं, इसको मैं पहले से ही मानता हूँ, और जब जब भी आप जिस जिस के बारे में भी इन शब्दों को उच्चारित करते हैं, मैं समझता हूँ हर वो व्यक्ति आपकी इस कौशलता को और इन गुणों को स्वीकार करते हैं। आपका आशीर्वाद है और आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं उन सब कवित्रियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो आज आपके माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। विशेष तौर पर मैं अनीता जी की इस पुस्तक को लेकर उनको मुबारक देना चाहता हूँ। कारण ये है कि मेरी नज़र में इससे बड़ा खजाना कोई है नहीं जो आप पुस्तक के रूप में संग्रहित करते हैं। इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूँ कि ना सही बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत, तेरी रहमत का खजाना तो है, और ना चढ़े इश्क परवान मेरा, तेरी जुस्तजू का बहाना तो है, ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, और कहीं और मिले ना मिले मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है, मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। मैं इस अवसर पर आपको इस बात का न्योता और निमंत्रण भी देना चाहता हूँ कि आप जब भी चाहें, हम आपने मुझे बताया कि आपने दो पुस्तकें लिख ली हैं, आज देखिए हमने सिर्फ आपकी एक आध कविता का पाठ आपके मुख से सुना। मैं चाहूंगा जिस दिन आपको कन्वीनियंस हो,
जिस भी दिन आपको कन्वीनियंस हो आप मुझे फोन करिए, आप आइए और अपनी दोनों पुस्तकों को लेके आइए। हम लगभग एक घंटे का समय आपको देंगे जिसमें आप अपनी रिप्रेजेंटेटिव कविताओं को हमारे सम्मुख, हमारे पाठकों के सम्मुख आप कहिए, कहेंगे, ताकि आपके संपूर्ण साहित्य का पूरा जो स्वाद है वो हमारे जो हैं पाठक ले पाएंगे। आजकल मेरे पास मिस्टर विनय कुमार आ रहे हैं, उन्होंने 5 पुस्तकें लिखी हैं, उनकी 3 पुस्तकों का हम 1-to-1 विवेचना कर रहे हैं और 3 की हो गई है, 2 पुस्तकें अभी रहती हैं, आप हमारे रेडियो के YouTube पर उसको सुन भी सकते हैं। साथियों, आज माता के नौरात्रे चल रहे हैं, तो मैं जहां माँ जननी के सौम्य को स्वीकार करता हूं, वहां मैं स्वयं की माता को भूल नहीं पाता। तो उनकी याद में पहले मैं छोटी छोटी 3 कविताएं पढ़ूंगा, स्वागत है, फिर उसके बाद आपसे थोड़ी बहुत शायरी के बारे में भी बात करेंगे। स्वागत। तो देखिए, पहला छोटी कविता है जिसका नाम है असुरक्षा, दैट इज इनसिक्योरिटी, कि माँ ना जाने क्यों तेरे जाने से बचपन मेरा खो गया। बहुत बहुत अच्छी पंक्ति। एक तुम ही तो थी साक्षी उस लंबे क्रम की, अब मैं निसहाय निशब्द भी तुमसे वह सब कह नहीं पाता जो मैं चाहता हूं। मेरी हर हरकत तुम समझ जाती थी और पुलकित होती थी, मेरा तो पांव रखना मात्र ना जाने तुम्हारी कितनी हसरतों को, कितनी हसरतों से भर जाता था, और तुम हर काम को करती हुए भी ना करती थी मुझको ओझल, तब तो मैं पूरे पांव से चल भी नहीं पाता था, पर कितना सुरक्षित था मैं। अब जबकि अपने पांव से दौड़ सकता हूँ, पर वो सुरक्षा तो अब ढूंढे से नहीं मिलती। बहुत शानदार पंक्तियाँ माँ के लिए, माँ को समर्पित पंक्तियाँ। सर तो स्वयं भावुक हो ही गए, हम सब भावुक हो गए, यद्य भावुक मैं हूँ लेकिन आज सब भावुक हो गए। माँ की बात है सर। आगे कहा, इसका टाइटल है तलाश। स्वागत। एक तेरी ही नजरों में मैं बेजोड़ था जी। वरना असाधारण जैसा तो कुछ भी नहीं था मुझमें, तेरी ही उठती नजरों में कुछ ऐसा यकीन दिला दिया था मुझको कि मेरी साधारणता ने भी असाधारणता की ओर सरकना शुरू किया। मेरा ये क्रम तो अभी अधूरा है। माँ की याद तो होती ही है, बहुत ज्यादा सर भावुक हो गए, ये हम सब भावुक हो गए, माँ को सब अपने अपने याद करें। पानी दीजिए। ठीक, मैं हिम्मत करके नहीं बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहता था, नहीं कोई बात नहीं। तो बीच में आपने जो अपनी कविता पढ़ी, तो मैं आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ कि छोड़ बाहर को और मन को देख, छोड़ बाहर को और मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद,
अपने भीतर फन को देख। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे कहा कि यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना ताउमर उसके इशारे नहीं मिलते, उसके इशारे नहीं मिलते। और अंत में कहा कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, जिसने भी देखा खुद में छुपा देखा और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में, यार के दर पे सर को झुका देखा है, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा। बहुत बढ़िया था। मैं अंत में श्री भावुक जी का आभार व्यक्त करते हुए आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप इतनी दूर से आए, आपके आने से मुझे ये बोध मिलता है कि अभी भी कविता को जिंदा रखने वाले लोग कायम हैं और इतने दूर के फासले को तय करके भी वो अपनी ग्रस्त जीवन में से समय निकाल के यहाँ आते हैं। इसके लिए सिर्फ आप मुबारक के पात्र नहीं हैं, आप लोग मेरी प्रेरणा के भी स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी। अभी आप सबने आदरणीय डॉक्टर मुकेश गंभीर जी को सुना, उनकी भावुक कर देने वाली रचना। माँ सबकी श्रेष्ठ होती हैं, माँ से सबसे बड़ी है माँ, माँ के आगे सब कुछ फीका है, कोई भी रिश्ता माँ के रिश्ते के तक पहुँच भी नहीं पाता है। हमारी माँ सबकी माँ और हम सबकी भारत माँ। हमारी माँ तब तक हमारा पालन पोषण करती हैं जब तक हम अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाते, लेकिन भारत माँ हमारा तब तक पालन पोषण करती हैं जब तक हम जीवित रहते हैं। तो भारत माँ के चरणों में कुछ पंक्तियाँ निवेदित कर देता हूँ। मिला खून मिट्टी सजाया समारा, मेरा देश मुझको प्राणों से प्यारा, मेरा धर्म और कर्म सब कुछ यही है, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा, सदा खुश रहे देशवासी हमारे, सदा गर्व से मातृभूमि निहारे, करे कार्य अपना मिलजुल के भावुक, मिले जीत हर पल कभी भी न हारे, मिले जीत हर पल कभी भी न हारे, मिले जीत हर पल कभी भी न हारे। जय हिंद, जय भारत।